नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द क्लेवर डियर का अर्थ होता है चतुर हिरण। वंस देयर वाज अ वेरी क्लेवर डियर। वंस का अर्थ होता है एक बार, देयर वाज माने था, अ वेरी माने बहुत, क्लेवर माने चतुर, डियर माने हिरण। एक बार एक हिरण था जो बहुत चतुर था। वन माने एक, डे माने दिन। एक दिन ही सा सम एप्पल ट्रीज विथ जूसी एप्पल्स अक्रॉस द रिवर। इस पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है कि एक दिन उसने नदी के उस पार रसीले सेबों के साथ सेब के कुछ पेड़ देखे। ही वांटेड टू टेस्ट देम। ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, टू टेस्ट माने स्वाद लेना, देम माने उनका, वह उनका स्वाद लेना चाहता था। बट माने लेकिन, दैट माने वह, वाज माने था, नॉट माने नहीं, इजी माने आसान, परंतु वह आसान नहीं था। एज माने क्योंकि, द रिवर माने नदी, वाज माने थी, फुल माने भरी हुई, ऑफ क्रोकोडाइल्स क्योंकि नदी मगरमच्छरों से भरी हुई थी। एट माने तब भी या फिर भी। द डियर माने हिरण डिड नॉट गिव अप, परंतु फिर भी मगरमच्छ ने हार नहीं मानी। गिव अप का अर्थ होता हार नहीं मानना, परंतु मगरमच्छ ने फिर भी हार नहीं मानी। ही हैड एन आइडिया। ही माने उसके पास, हैड माने था, एन आइडिया उसके पास एक योजना थी या था, उसके पास एक योजना था। ही कॉल्ड आउट। ही माने उसने, कॉल्ड आउट माने बुलाया, टू माने को, आ क्रोकोडाइल उसने एक मगरमच्छ को बुलाया, एंड माने और, सेड माने कहा, और कहा। द किंग माने राजा, हैज ऑर्डर्ड मी। द किंग हैज ऑर्डर्ड मी, इस पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है कि द किंग हैज ऑर्डर्ड मी, कि राजा ने मुझे आज्ञा दी है। टू माने कि, काउंट माने गिनो, राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि गिनो द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर, नदी में मगरमच्छों को गिनो। एज माने क्योंकि, ही इज हैविंग अ फीस्ट क्योंकि वह एक दावत कर रहा है, क्योंकि वह एक दावत कर रहा है। एज माने क्योंकि, ही माने वह, वे, ही जो माने हैं, हैविंग अ फीस्ट क्योंकि वह एक दावत कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, आप सभी को आमंत्रित किया गया है। ऑल ऑफ यू माने आप सभी को, आर माने है, इनवाइटेड माने आमंत्रित किया गया है, आप सभी को आमंत्रित किया गया है। बट माने परंतु, डोंट ट्राई टू ईट, परंतु डोंट ट्राई टू ईट मी, परंतु मुझे खाने की कोशिश मत करना। वाइल माने जब तक या जबकि या के दौरान। आई एम काउंटिंग यू आर, जब तक मैं तुम सब, आप सभी को गिन रहा हूँ। द एक्साइटेड क्रोकोडाइल का अर्थ होता है उत्तेजित या खुशी भरा। उत्तेजित क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ। टोल्ड माने बताया, द अदर क्रोकोडाइल, उत्साहित मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ को बताया, दूसरे मगरमच्छों को बताया। एवरीथिंग माने सब कुछ, उत्साहित मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छों को सब कुछ बताया। सून माने जल्द ही। आल द क्रोकोडाइल्स, सून माने जल्द ही, आल द क्रोकोडाइल्स माने सभी मगरमच्छ, लाइंड अप क्रॉस द रिवर, जल्द ही सभी मगरमच्छों ने नदी में लाइन बना लिया, नदी के इस पार से उस पार तक।
द डियर स्टेप्ड ऑन टॉप ऑफ द फास्ट क्रोकोडाइल। द डियर माने हिरण ने लाइन के पहले वाले मगरमच्छ की पीठ पर अपना पैर रखा। एंड माने और, काउंटेड वन और एक गिना, काउंटेड माने गिना, वन माने एक। ही कैप्ट ऑन काउंटिंग, ही कैप्ट ऑन काउंटिंग का अर्थ होता हुआ गिनता रहा। ही माने वह, कैप्ट ऑन काउंटिंग वह गिनता रहा। टिल माने जब तक या तब तक ही। रीच्ड द अदर साइड, जब तक नहीं वह दूसरी ओर पहुंच गया। टिल माने जब तक नहीं, ही माने वह, रीच्ड माने पहुंच गया, द अदर साइड जब तक वह दूसरी ओर नहीं पहुंच गया, वह गिनती गिनता रहा। देन माने फिर, ही टर्न्ड फिर वह मुड़ा, टू द क्रोकोडाइल्स फिर वह मगरमच्छरों की ओर मुड़ा। देन माने फिर, ही माने वह, टर्न्ड माने मुड़ा, टू माने की ओर, द क्रोकोडाइल्स माने मगरमच्छरों की ओर मुड़ा। एंड माने और, सेड माने कहा, थैंक्स शुक्रिया फॉर हेल्पिंग मी क्रॉस द रिवर। शुक्रिया माने धन्यवाद, फॉर माने के लिए, हेल्पिंग माने मदद के लिए, धन्यवाद मी माने मेरे, मेरी मदद के लिए धन्यवाद, क्रॉसिंग क्रॉस द रिवर नदी पार कराने के लिए मेरी मदद के लिए धन्यवाद। द आउटविटेड क्रोकोडाइल्स कुड डू नथिंग बट लाइमेंट। इस पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है कि चतुर मगरमच्छ बिलाप के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मोरल शिक्षा क्या निकलती है दोस्तों? क्लेवरनेस ऑलवेज पेज, चतुराई हमेशा भुगतान करती है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।